कैसी हो तुम, क्या बात हुई? हमारे घर का भगवान दौड़ा आता है। आज तक तुमने नहीं बताया कि हमारे दौड़ा आता है। मैं छुपाए नहीं, तुमने कभी देखा नहीं था। जैसे छुपाए रहे साल भर में आवत नए साल में, और भैया फाड़ पड़ना है, रास्ता भूल गए रहे, रानीपुर वही मेला जाते रहे भाई, राह भुलाए गए। रानीपुर का मेला देखने जा रहे हैं? हाँ भैया, ऐसा भूल गए। परवा घर से चले हम, हमारे गाड़ी हराए गए कहा है। अजय सिंह भैया नई मोटरसाइकिल बताओ खरीदते रहे लाके। सामने फौजी बैठे हैं ना, फौजी गाड़ी खरीद तो क्या, अरे जिम्मेदारी उनकी है। रानीपुर का मेला देखने जा रहे हो? रास्ता ये ऐसा रास्ता है, सामने जाइए चार जलेबी की दुकान जहाँ मिलेगी वही समझो रानीपुर गांव में। अच्छा, और एक बात और सुनिए, वहाँ पर तिलक कंपनी नौकरी हो रही है। हाँ चाहो ना देखो, लेकिन हाथ जोड़ता हूँ अब दोबारा नहीं आना। नहीं जिसे बहुत आशा करता हूँ, नहीं आएगा वो बड़की पटरखी। मेरा दिमाग खराब कर रहे हो ना है। तुम रानीपुर का मेला जा रहे हो? नहीं, मेला पहुंचे तो आगे कहीं घाव से लागे करता पाएंगे लेके भागा हमारा पहले वही नहीं हम करो। अच्छा अच्छा, मने ही नहीं पर घुटना हो आपका जना तो ही लगा घर आ रहा है। हम तो जाम ने हम हो क्या करो। मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। मुँह छोड़ बड़ा नहीं माने जी, तो पूरी खा हम पर खाओ। कहना क्या चाहते हो? जो मैं खाओ हम बर्गर खाओ। अरे जी ये बताइए, एक नांदने कभी दो भैंसे खाते हैं? हाँ खाते हैं। कैसे खाते हैं? उसरी उसरी उसरी। पहले हमें गाड़ा मानता हूँ, पहले हमारे भैंसे बांध दो खाओ दी मोर दिए मुंह मारे बुझ 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 भर भर फल पानी भूखा भाई खाइए तो हाँ तो हाइए चाहे दिन भर खाओ चाहे दोपहर खाओ। हे जी इसलिए तुम्हारा जुबान नहीं बनेगा तो तोहरा मने दिया धान पीछे तो पहला गालिया बाबा फूका। हम तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढ चुके हैं। अच्छा, लेकिन यार उसमें थोड़ी कमी है। चलो थोड़ा बहुत कमी चला दिया भाई, हम तो कमी बा यार हसन यार ये हंसा काम फंसा थे यार पैर से चल नहीं पाती है। अच्छा हमारी नए हो चुका है मंजू है। कपड़ा पहले बात सुना कर कपड़ा लगता छाते तो कहीं चलो पंगा बिछाओ गद्दा रह जाए इकट्ठे पहुड़ा जाए तो रात भर उनके गोले सोच करी। यानी कि वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं है? अरे यार पंगा जगह न रह जाए जैसे पहुंच गए तीन हो रहा हूँ तीन तीन चार। याद आया याद आया, पाठक जी उसी की छोटी बहन है, खूब गोरी गोरी है, बहुत मोटी ना बता बहुत गोरी गोरी है। अच्छा अच्छा, लेकिन यार उसमें भी थोड़ी कमी है। कौन कम यार वो बोल नहीं पाती। हाँ यार गोरी तो ठीक है, ये तो चल ये गोभी ठीक है। खूबी खूबी कैसी चाहे जान बतनी कर तो बता ही ना पाए बताओ ना कहे। समझ गया, जल्दी बताओ ये रास्ता देख रहे हो सामने ही निकल जा। मेला जाओगे, मेला के बाद सड़क पड़ेगी हाईवे हाईवे हाईवे, उसी हाईवे के बगल में एक पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ के नीचे गुंडी तुम्हारा इंतजार कर रही है। Thank you.
मैंने ही तो बताया था क्या होगा क्या कुआ चाह जाओ गूंगी मिले कुआ सारा चाह तो गूंगा बैठा यार पति जी मैंने तो एक भैया जैसे चेरी थारी अरे हुआ क्या भैया अरे पाठक जी कैसे बैंकी बैंकी बात कर रहे हो भैया सारे हम तक देखे तो सोचे कौन माल ब्यूटी पार्लर से ठहाका आएगा भैया क्या हुआ कुमार सारे हम तक छेना काला जाम रबड़ी मलाई चौमरी बर्गर यानी गूंगे ने छेना काला जाम फेंकला हमें खाएं भैया हमारे बोला चाहे जीव गबर गबर खाएं अपना खाए पे रही तो गूंगा उन्हें खटक पड़े तब हमें गूंगा नंबर उठा भैया चाह पाई हम ही जब प्रताप पाए थे हमें नहीं हो रहा जी अब जुटे पीछे दे जनार्दन दे जनार्दन अरे भैया कौन दवाई बताओ लाने हमारे चलो अस्पताल भर्ती कराओ मेरे ऑपरेशन से हुए हमें लगातार भैया नहीं भैया काम लग रहा बताओ कि अंग्रेजी दवा बताओ कि देसी दवा दोनों बताए जो हमें आराम मिल जाए अपने काम करो पाठक जी चले जाओ किराना स्टोर बनिया की अरे नियानी खा रहे अरे पाठक जी मैं देखना नहीं चाहता एक काम करो दवा बता रहा हूँ चले जाओ किराना दुकान वहाँ पर ले आधा किलो सूखा मिर्चा लाल वाला पिसा और एक पाव काली मिर्च और आधा किलो गुड़ तीनों को इकट्ठा कर लेना और किसी के घर से ईमान दस्ता ले लेना इसमें मसाला कूट ऐसे कूट कर तीनों इकट्ठा कर लेना इसके बाद एक गोला बना लेना इसे गुड़ कर बना लेना जहाँ घाव है वही तुरंत डाल लेना वादा करता हूँ पाठक जी आराम मिले 15-20 मिनट में तुम्हें काफी राहत बच्ची दवाइया तू आते हैं तो काम पर जाए इधर आ दवा तुमको और अच्छी बता दूँ जाओ किसी की गाड़ी से थोड़ा सा पेट्रोल निकाल लेना अच्छा आप थोड़ा सा व्यू ले लेना अंग्रेजी दवाई हाँ इसी पेट्रोल को में पीहा बना करके उसे घाव धो लेना तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा आराम हो जाए धन्यवाद लेकिन अब दोबारा नहीं आना क्या बात है इधर गाड़ी लेकिन तुम मुझे कभी भूला नहीं कभी नहीं क्योंकि तुम्हारी क्या इस दुनिया में तुम कोई नहीं है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना तो मेरी माता है ना तो मेरे पिता है ना तो मेरे भाई है मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है
हम मेरे सूरज न जाने कब आएंगे कब नहीं। ऐसा लगता है कि अब हम ऐसे में जिंदगी भर रह गए और हमारे पेट में बच्चा बच्चा है नहीं ना, सिर्फ एकदम इज्जत झूठ बोला तो नहीं थे। सेवा में जुटी है, मेरी किसान अपनी बेटी को बुला रहा है। सुखी मेरी जो बात है पिती है
विश्वास हो तो कागज जो दिखा सकता हूँ। हाँ, न तेरे खेत है न घर है न बार है तो तू मेरी रकम कहाँ से अदा करेगी? बोल पिताजी, तुमको मत माने, मैं अपने हथियार छोड़ेगा। ठाकुर गर्म सिंह को आ गया, ठाकुर गर्म सिंह ने नंदू को गोली मार दिया। तुम्हें प्रताप सिंह ये बार बार अपने मकान पर बुलाकर हमारा अपमान करता है। आज हमारी दिली इच्छा है कि हम नंदू को मौत की नींद सुना देते हैं। मेरा पैसा मिले ना मिले, हमें उसकी परवाह नहीं है। हराम जादे नंदू के बच्चे मरने के लिए तैयार हो गया। एक मजबूर औरत क्या कर सकती है? तूने क्या करके इस जन्म का बदला चुकाया? तूने मेरे स्वामी से मुझको जुदा कर दिया। और भगवान दुनिया से दुखिया